दोस्तों हर कोई चाहता है वो अपनी मनपसंद की चीजें खाए लेकिन कभी बीमार ना पड़े या उसका स्वास्थ्य खराब ना हो। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 5 मिनट की भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए 70% डाइट और 30% वर्कआउट का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। इस फॉर्मूले को हर उम्र का व्यक्ति अपना सकता है। अंतर सिर्फ ये है कि डाइट और वर्कआउट की क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होता है। जिंदगी का सफर कदम दर कदम तय करते करते कभी कभी जीवन में हताशा, थकान और निराशा सी महसूस होने लगे तो समझिए कि जीवन में उत्साह या उमंग की कमी हो गई है। उत्साह और उमंग जीवन को ऊर्जा से भरपूर बनाए रखते हैं। इनकी कमी होते ही जीवन घुटन और अवसाद से भरने लगता है। वहीं अगर आपका जीवन उमंग और उत्साह से सराबोर है तो जिंदगी खुशियों से भरी और रंग बिरंगी लगने लगती है। इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ नियम स्वयं के लिए निर्धारित करें, फिर देखें आप कैसे रहते हैं हमेशा ऊर्जावान। इसलिए आज हम आपको कुछ जरूरी और फायदेमंद हेल्थ टिप्स बता रहे हैं। 70% डाइट और 30% वर्कआउट से फिट रहा जा सकता है। इसके साथ ही जरूरी है कि आप घर का खाना खाएं। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मसालेदार खाने से परहेज रखें। अधिक से अधिक फ्रूट्स खाएं, नियमित 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। ड्राई फ्रूट्स और सैलेड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। कम कार्ब्स और ज्यादा प्रोटीन लें। कार्डियो तकरीबन 20 से 25 मिनट का रखें। साथ में वर्कआउट बहुत इंटेंस और रिपीटेशन हाई रखें। जितना रिपीटेशन करेंगे उतना ज्यादा फैट बर्न कर सकेंगे। वर्कआउट करने के लिए 1 घंटा पर्याप्त है, लेकिन ये आपकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का बॉडी क्लॉक अलग होता है। एक्सपर्ट की सलाह लेकर वर्कआउट का समय तय करें। पहली बार जिमिंग कर रहे हैं तो 1 से 1.5 महीना लाइट एक्सरसाइज और बॉडी को वार्म अप करें। बीच बीच में कार्डियो व थोड़ा वेट उठाएं। कम वेट्स के साथ एक्सरसाइजेस करें। धीरे धीरे शरीर संतुलन बिठाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शरीर में दर्द व इंजरी हो सकती है। कार्ब्स को पूरी तरह बंद ना करें। कार्ब्स कम मात्रा में जरूर लें। कार्ब्स दिमाग की फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी है। उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए कार्ब्स खाना जरूरी है। कम कार्ब्स के साथ ढेर सारा प्रोटीन लें। अंडे, चिकन, प्रोटीन शेक, सोया, पनीर, टोफू और ग्रीन सैलेड या टमाटो सूप को अपने आहार में शामिल करें। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कार्ब्स ज्यादा मात्रा में लें, और अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो कार्ब्स कम मात्रा में लें। लेकिन दोनों तरह की डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखें।